बसमिल सी एस एस जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर ये जो पोर्शन है हम इसमें सी एस एस का सिलेबस ही फॉलो करेंगे तो फर्स्ट जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग एस्ट्रानोमी की बात करेंगे जो कमिंग लेक्चर्स हैं तो यूनिवर्स से रिलेटेड सारी सीरीज़ होंगी तो ये लेक्चर जो है ये ज़ीरो लेक्चर है ये ज़ीरो लेक्चर का मतलब वो लेक्चर होता है जिसके अंदर आप बिल्कुल बेसिक्स पढ़ते हैं फ़र्स्ट लेक्चर से पहले जिनके वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है आई गेस आप ये स्किप कर दें वीडियो और नेक्स्ट वीडियो पे आप जा सकते हैं जिनके वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें सबसे पहले बात करेंगे हम इट सेल्फ़ इस्ट्रानोमी की इस्ट्रानोमी जो है कोई भी ऐसी ये वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं अब सेलेस्ट्रियल जो है वर्ड उसका मतलब है आसमानी या आफाकी या आसमान से रिलेटेड जो हेवनली बॉडीज़ आप जिन्हें कह सकते हैं तो ये जो है सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स को आ, ये कहलाते हैं कोई भी ऐसी टर्म जो अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो डेफिनेटली वो इस इस स्टडी का हिस्सा है अगर आप इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरीके से देखें कि कोई भी आ, जो है अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर जो स्टडी की जाती है किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को और बॉडीज़ को तो वो सारी एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है ठीक है उसमें प्लैनेट्स हैं आपके सितारे हैं स्यारे हैं निज़ाम शमसी है और क्या किस तरीके से ये जो है सितारे बनते हैं मरते हैं ये सब कुछ जितनी भी कॉम्पोजिशन होती हैं ये जो है इस्ट्रोनोमी बहुत वास्ट ब्रांच है तो इसमें जो है स्टडी की जाती हैं कमिंग टू वर्ड्स कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी जो है अगेन इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस ये बिल्कुल इसकी सब ब्रांच है इस्ट्रोनोमी की और इसके अंदर जो है हम लोग यूनिवर्स को स्टडी करते हैं ठीक है ये ग्रीक वर्ड है तो इसको हम लोग जो है ये वो ब्रांच एस्ट्रोनॉमी की जो जिसके अंदर हम लोग ओरिजिन कैसे हुआ था यूनिवर्स का बिग बैंग से लेकर के अब तक और आगे फ्यूचर तक ठीक है तो ओरिजिन कैसे हुआ था यूनिवर्स का अभी क्या हो रहा है और आने वाले वक्तों में क्या होगा ठीक है आई गेस ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम लोग जो है वो हेवनली बॉडीज़ को स्टडी करते हैं अर्थ, अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर और कॉस्मोलॉजी के अंदर हम लोग यूनिवर्स की बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था अभी क्या हो रहा है आगे क्या होगा आई गेस यहाँ तक ये क्लियर हो गया हुआ होगा यूनिवर्स यूनिवर्स एक एक और टर्म है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यूनिवर्स को अगर बहुत आसान लफ्जों में ऐसे ले लेते हैं कि एक बहुत बड़ी वास्ट स्पेस है जिसके अंदर हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी स्पेस है जिसमें प्लैनेट्स हैं स्टार्स हैं जिसके अंदर जो है वो डार्क मैटर है डार्क एनर्जी है बहुत सारी गलेक्सीज हैं मूनस हैं सैटेलाइट्स हैं कॉमेट्स हैं मीट्रॉइड एस्ट्रॉयड हैं क्लाउड्स हैं गैस है डस्ट है न्यूबिला है ये सब चीज़ें सब चीज़ें यूनिवर्स का हिस्सा हैं आप ऐसे ज्यूम कर लें बहुत बड़ा बॉल है जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं ठीक है तो आप इसको जितना आसान लेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना आसान होगा तो यूनिवर्स उसी को बोलते हैं अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आगे जब बुक डेफिनेशंस आएंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा उनको समझना उसके बाद अगर हम बात करें गैलेक्सी की गैलेक्सी वो चीज़ अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो चमकने वाली हो तो ठीक है यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो कलेक्शन uh, है ह्यूज गैस की डस्ट की बिलियन ऑफ़ बिलियन ऑफ स्टार्स की और सोलर सिस्टम की और उसकी जो है ग्रेविटी uh, की ब्लैक होल की uh, उसके बाद डार्क मैटर की डार्क एनर्जी की एक स्पेसिफ़िक जो है गैलेक्सी की तो ये सब चीज़ें गैलेक्सी के अंदर आते हैं और इस तरह की हर एक गैलेक्सी में चीज़ें मौजूद होती हैं और इस तरह की कई गैलेक्सीज़ जो हैं वो यूनिवर्स का हिस्सा हैं यूनिवर्स एक वास्टम थी उसको अगर हम लोग छोटा करें तो उस बड़े बॉल में दो छोटे अब छोटे छोटे बॉल्स हैं जो कि गैलेक्सीज़ कहलाते हैं उन छोटे बॉल्स के अंदर ये सारी चीज़ें अलग अलएद, अलग पाई जाती हैं हर गैलेक्सी के अपना निज़ाम है अपने सितारे हैं अपना ब्लैक होल है अपने गैस के क्लाउड्स हैं डस्ट है उसके अंदर अपने प्लानट्स हैं तो हमारी जो गलेक्सी है तो उसका नाम है मिल्की वे ठीक है और यह स्पायरल गलेक्सी है गलेक्सीज की टाइप्स इन शाला नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ इतना ही कि गलेक्सी क्या चीज़ होती है तो यूनिवर्स का एक छोटा हिस्सा गलेक्सी है और कई छोटे ऐसे हिस्से हैं जो गलेक्सी कहलाते हैं और गलेक्सी के अंदर जो है वो कई बिलियन स्टार्स उसके अपने सोलर सिस्टम हैं जो निज़ाम शमसी हैं मुख्तलफ़ हैं हर गलेक्सी के अंदर और हमारा जो है जो निज़ाम शमसी उसमें नौ नाइन प्लानट्स थे अब आठ प्लानट्स हैं प्लूटो नहीं है आ, तो प्लूटो के ऊपर बात करेंगे क्यों नहीं है और जो हैं वो क्यों हैं तो इन नेक्स्ट लेक्चर्स में इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही कि गलेक्सी क्या चीज़ है और मिल्की वे भी इसमें कवर हो गया कि मिल्की वे जो है हम हमारी गलेक्सी जो है वो मिल्की वे कहलाती है अब इस हमारी गलेक्सी के नज़दीक तरी, तरी, तरीन जो गलेक्सी है वो एंड्रोमीडा गलेक्सी है अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की अब पहले यूनिवर्स थी फिर गैलेक्सी आई और गैलेक्सी जो हमारी वो मिल्की वे है अब गैलेक्सी के अंदर एक और चीज़ है जिसका नाम है सोलर सिस्टम ठीक है अब ये छोटा छोटा होता जा रहा है अब और उसके गिरद के सितारे या सैारे ठीक है सोलर सिस्टम क्या चीज़ है निज़ाम शमसी जिसे हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ यानी कि जो प्लानट्स हैं उनके मूनस हैं एस्ट्रॉइड्स हैं कॉमेट्स हैं मीट्रॉय्स हैं मीटियोर्स हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो आ, सूरज के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती है ऑर्बिट मतलब घूमती है चक्कर लगाती है ठीक है तो जो है आ, वो कहलाती है एक सोलर सिस्टम आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सूरज के इर्दिद चक्कर अपना पूरा करती हैं उसमें हमारी अर्थ भी है आई होप इट इज़ क्लियर टू यूगाइ अब बात करेंगे हम लोग जो रोटेशन और रेवोल्यूशन की ये दो बहुत बेसिक हैं मतलब बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं इन सेंस कि आप अक्सर मिक्स हो जाती हैं तो इसकी नमोनिक्स भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन इसमें सिर्फ इतना बताऊँगी मैं आपको कि रोटेशन क्या होती है और रेवल्यूशन क्या होता है तो रोटेशन जो होती है वो अपने ही एक्सेस के ऊपर घूमना यानी कि अगर आप एक बॉल में बड़ी सी पिन लगा दें और पिन को दोनों साइड से पकड़ के अपने हाथों में उस बॉल को स्पिन करें तो वो रोटेट करेगी अपने ही एक्सेस पे रोटेट करने को बोलते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होती है अब रेवोल्यूशन जो है वो एक स्पेसिफिक प्लान सोल अप, जो सूरज है इसके इर्द गिर्द जो अपना एक पूरा चक्कर करता है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन तो रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि रोटेशन जो है वो अपने ही एक्सेस पे घूमना और रेवोल्यूशन जो है वो पूरा अर्थ जो जो सन के गिर चक्कर काटना या चक्कर पूरे करने को रेवोल्यूशन बोलते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लैनेट्स की प्लैनेट्स क्या चीज़ें होती हैं प्लैनेट्स जो हैं वो जो है उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती वो जो है जिस तरीके से हमारा अर्थ है या जुपिटर है या मार्स है तो बेसिकली प्लैनेट्स जो हैं वो छोटे होते हैं सितारों से और ये सितारे के गिर्द अपना जो है वो चक्कर पूरा करते हैं इनकी अपनी ग्रेविटी होती है और ये आ, जो है ऑर्बिट करते हैं अराउंड द स्टार तो अर्थ जो है वो भी सन के गर्द जो है वो घूमती है तो अर्थ आ, जो घूमती है सूरज के गिर्द, तो सूरज भी एक सितारा है ये ये जो है इसको आप कह सकते हैं ये मिडल साइज स्टार है या दरमियना किस्म का सितारा है ना तो ये बड़ा है ना तो ये छोटा है स्टार्स के ऊपर हम लोग डिटेल में एक प्रॉपर वीडियो के अंदर बात करेंगे तो उसमें बेसिक आपको बताना था कि प्लैनेट्स क्या चीज़ होते हैं ये जो हैं ये छोटे होते हैं सितारों से इनकी कोई लाइट नहीं होती और जो है ये ऑर्बिट करते हैं सन के इर्द गिर्द यानी कि कोई भी सितारा बड़ा सितारा जो होता है इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में आठ जो हैं प्लैनेट्स मौजूद हैं प्लूटो को हम लोग काउंट नहीं करते एज अ प्लानट और ये भी मैं आपको बताऊँगी प्लूटो को हम लोग एज अ प्लानट क्यों काउंट नहीं करते और बाकियों को हम करते हैं तो क्यों करते हैं ठीक है तो आपको आई गेस आई होप कि आपको प्लानट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मून की मून जो है बहुत ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट टर्म है स्टिल जो मून है इसका मतलब क्या होता है मून एक ऐसी हेवनली बॉडी है या स्टलेटल ऑब्जेक्ट है जो कि प्लानट को ऑर्बिट करता है तो हमारा जो है हम घूम हमारी जो दुनिया है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा करती है और जो चांद है वो दुनिया के गिर्द अपना चक्कर पूरा करता है वो प्लैनेट के गिर्द घूमता है अपने भी एक्सेस पे घूमता है और दुनिया के गिर्द भी अपना चक्कर पूरा करता है तो कोई ऐसी चीज़ ऐसा छोटा जो है छोटा प्लानट या आप कह सकें छोटी चीज़ जो किसी भी प्लानट को ऑर्बिट करती है तो वो उसका मून होता है और हमारा जो मून है उसको नेचुरल सेटेलाइट भी कहा जाता है वो नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ का और जो आ, हमारी दुनिया को और भी बहुत सारी सेटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं वो मैन मेड सेटेलाइट्स हैं ठीक है आई होप कि मून का एक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा इसके बाद बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की और मेट्रॉइड्स की तो एस्ट्राइड जो है ये वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं लार्ज रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्पेस में हमें बड़े पत्थर मिलते हैं और जो ऑर्बिट करते हैं सन को इसी तरीके से जिस तरह प्लान करते हैं बस इतना ही होता है कि ये प्लान्स के साइज़ से छोटे होते हैं ठीक है इनके साइज़ और डिटेल्स इनशाला हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे अब तक के लिए सिर्फ इतना ही कि ये जो है प्लानट से छोटा होता है रॉकी ऑब्जेक्ट और सन को ऑर्बिट करता है अब जो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सन को ही ऑर्बिट करते हैं उनको हम मेट्रॉइड्स बोलते हैं ठीक है ये कुछ मिलीमीटर से ले करके एक मीटर तक भी हो सकता है तो बहुत ही छोटे पत्थरों को बोलते हैं मेट्रॉइड्स और जब ये अर्थ की सरफेस में एंटर करते हैं तो ये वेपराइज़ हो जाते हैं ये जो है बिल्कुल वेपर बन के उड़ जाता है बहुत ही छोटा मैटर इसका अर्थ तक पहुंच सकता है जिसको हम बाद में मीटी और बोलते हैं और ये जो है इसको शूटिंग स्टार भी अगर हम ईजी लफ्जों में बोलें तो गलत नहीं होगा आई होप कि आपको एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो बात करते हैं हम लोग कॉमेट्स की तो कॉमेट्स क्या कहते हैं एक बॉल होता है ठीक है आप समझ लें एक गोला होता है स्नो का स्नो बॉल होता है ये बहुत बड़ा आइस का बॉल है और ये जो है आउटर स्पेस के अंदर मौजूद होता है वो किन बेल्ट्स में मौजूद होता है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आने वाली वीडियोस में देखेंगे इसमें सिर्फ इतना ही कि एक बहुत बड़ा आइस का बॉल है जो कि स्पेस में घूमता फिरता इधर उधर घूमता फिरता है और इसको हम डर्टी स्नो बॉल भी कह सकते हैं क्योंकि अंदर ये आइस है उसके बाद इसका जो बाहर का जो है जो बाहर की सराउंडिंग एरिया है वो बेसिकली डस्ट है तो इसको डर्टी स्नोबॉल भी कहते हैं और जो है जब ये सूरज के करीब आता है अगेन इसकी जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है तब ये टेल फॉर्म करता है और इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे अभी तक के लिए इतना ही सिर्फ कि बहुत बड़ा आइस का गोला यानी कि डर्टी स्नो बॉल आइस का बड़ा सा गोला जिसकी बाहर की सतह जो है वो डस्ट की है अंदर उसके बहुत सारी आइस मौजूद है तो अभी के लिए आपको आई गेस ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि इज़ अ जो बात करते हैं हम लोग डस्ट की जिस तरीके से धूल मिट्टी इस दुनिया के अंदर भी डेफिनेटली होती है इसी तरीके से जो स्पेस की डस्ट है उसको हम लोग डस्ट बोलते हैं या स्पेस डस्ट का नाम देते हैं कॉस्मिक डस्ट का नाम देते हैं और ये जो है बहुत ही खूबसूरत होती है बहुत कलरफुल होती है स्पेस ये आउटर स्पेस में पाई जाती है और इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही कि डस्ट यानी कि जो स्पेस में मौजूद होती है उसको कॉस्मिक पेस डस्ट या डस्ट का नाम दिया जाता है आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ अ डस्ट बात करते हैं अब स्टार्स की स्टार्स भी बहुत किस्मों के होते हैं बहुत तरह के स्टार्स होते हैं तो स्टार्स जो हैं वो लुमिनस बॉल ऑफ गैस है अब लुमिनस क्या चीज़ होती है कि जिन वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट होती है वो किसी से लाइट नहीं लेते हैं उनकी अपनी लाइट होती है मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए होते हैं जिस तरीके से हमारा जो सूरज है वो भी एक सितारा है ठीक है और इसके बाद जो है ये काफ़ी तरह के सितारे मौजूद हैं इस कायन के अंदर इसके अंदर हमारे पास फिक्साराइंड्री टेम्परेरी वेरिएबल किस किस्म के स्टार्स होते हैं और ये कहाँ कहाँ होते हैं और इसकी क्या क्या किस्में हैं इन श्रा डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी तक के लिए इतना ही कि जो ऐसा जो है गोला जो अपनी लाइट ख़ुद प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं सितारा और जो भी आपको चमकने वाली चीज़ कायन में नज़र आती है रात के टाइम आसमान पर उनको सितारे बोलते हैं आई होप इट क्लियर। बात करते हैं हम लोग डार्क मेटर एंड डार्क इनर्जी के ऊपर तो ये वो चीज़ें जो निकेडाइट से नहीं निकेडाइट से नहीं देखी जा सकती किसी किस्म की जो पावरफुल टेलीस्कोप्स होती हैं उनसे भी नहीं देखी जा सकती ये हैरान कन बात है बस्तल अभी तक ये कोई जो है डिस्कवर नहीं हो पाई तो डार्क इनर्जी वो चीज़ होती है कि जो फोर्स क्रिएट करती है हमें और बिलीव करने पे मजबूर करती है कि जो एक यूनिवर्स का जो साइज लार्ज हो रहा है वो डार्क इनर्जी की वजह से हो रहा है और डार्क जो है अगर हम देखें डार्क मेटर क्या चीज़ है तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इतना टर्म ले लेते हैं कि अब सितारे हैं सितारों के अंदर स्पेस है काली स्पेस आपको नज़र आ रही है तो बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिनके अंदर वो स्पेस उनको आपस आप में एक दूसरे से दूर रखने के लिए मदद करती है आप ऐसे ज्यूम कर लें तो वो वहाँ डार्क एनर्जी जो है मैटर वहाँ पाया जाता है स्पेस के अंदर और ये हमें कैसे पता चला ये है ये इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे मुख्तर मैं आपको बता दूं कि जब लाइट का बीम आता है तो उसके अंदर से घूम गिर जाता है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाता तो जिसकी वजह से साइंसद साँदान, साइंसदानों को पता चला है यहाँ कोई चीज़ मौजूद है उस जो चीज़ वो नहीं देख पाए उसका नाम उन्होंने डार्क मैटर रख दिया है डार्क एनर्जी मैंने बता दिया है कि जो हमें मजबूर करती है बिलीव करने के लिए कि ये जो है स्पेस का जो जो साइज़ है यूनिवर्स का ये बड़ा कर रही है उसको डार्क एनर्जी कहते हैं है। जो उम्मीद है ये वो दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी नहीं हुई तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा उसमें इसमें डिटेल में बात करेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर अच्छा अब अब लोग हम बात करते हैं न्यूबिला के ऊपर अब न्यू बिला क्या चीज़ है अब इस तरीके से ज्यूम कर लें कि हमारे जो दुनिया में भी बहुत सारे बादल मौजूद हैं ठीक है थीके? अब इसी तरीके से भी जो है स्पेस में भी बादल मौजूद हैं जिनको न्यूबिला कहा जाता है ये जॉइंट क्लाउड्स हैं बड़े बड़े गैस के हैं डस्ट के हैं और इसमें बहुत सारी हाइड्रोजन है हीलियम है ठीक है और बहुत सारी आयोनाइ गैसेस हैं जो कि इसको इसका साइज़ बड़ा करने में मदद करती हैं इनके अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें ये कलर तब्दील करते हैं और इसमें भी बहुत किस्मों के न्यूबेलाज मौजूद हैं लेकिन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही कि ये एक बहुत बड़ा जाइंट क्लाउड होता है न्यूबिला जिसके अंदर बहुत सारी जो गैसेस मौजूद होती हैं जिसके अंदर रिएक्शन की वजह से ये कलर्स चेंज करता है तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ब्लैक होल्स ब्लैक होल्स क्या चीज़ है एक काला जो है होल या सुराख बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं लेकिन इसके अंदर ये ख़ाली नहीं होता इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और इसके बल्कि इसमें जितना भी बड़े से बड़ा मैटर है वो छोटे से होल में पैक हो जाता है स्मॉल एरिया में और यकीन करें आप ये हर चीज़ को निगल लेता है जिस तरीके से हमारी दुनिया के अंदर भी जो है वो अंडर वाटर साइक्लोन्स बनते हैं या आप कह सकते हैं समुंदर में बड़े बड़े भंवर बन जाते हैं जो अपने अंदर हर चीज़ को समो लेते हैं उसमें हर चीज़ समा जाती है इसी तरीके से भी स्पेस में भी आप समझ लें एक बड़ा सा भंवर नहीं है लेकिन बड़ा सा होल है जिसमें हर चीज़ जाती और गायब हो जाती है कहाँ जाती है उस होल के अंदर उसमें लाइट चली जाती है उसमें हर किस्म की एनर्जी वो सितारे के सितारे स्यारे के स्यारे खा जाता है लेकिन नज़र नहीं आता हाँ अलबत्त उसके अंदर डाइव करने के बाद साइंसदान कहते हैं कि उसमें आपको बहुत मेदार में लाइट मिलेगी और इस तरह बहुत सारे वाइट होल्स हैं वर्म होल हैं इसके बाद इसके जो है वो ब्लैक होल्स हैं इसमें डिटेल डिस्कशन होगी अब तक के लिए सिर्फ इतना ही एक बड़ा सा मेन होल आप समझ लें गटर है जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है इतने इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि अपने करीब की हर चीज़ को अपने अंदर समा लेता है इसमें हर चीज़ समा जाती है तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसा बड़ा होल जिसमें हर चीज़ स्पेस की क़रीब तरीन चीज़ें उसमें चली जाती हैं अब लूनर एंड सोलर एक्लिप्स क्या होते हैं आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये सोचें कि जो रात को हमें जो दिन में या कभी भी जो सूरज या चांद ग्रहण होता है बस इसको बोलते हैं सोलर और लूनर एकज़ इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी बस आपको पता होना चाहिए कि चांद ग्रहण को लूनर इक्लिप्स बोलते हैं और सन को बोलते हैं सोलर एक्लिप्स ठीक है तो ये थोड़ा सा ईज़ी हो गया टर्म को समझना बेसिकली सिर्फ इसमें टर्म एक्सप्लेन कर रही करी इसमें डेफिनेशन में नहीं एक्सप्लेन कर रही वो इन शाला नेक्स्ट वीडियोज़ में होंगी एक्सप्लेन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि जो चांद ग्रहण है उसको लूनर एकप्स बोलते हैं और सूरज ग्रहण को सोलर एक्प्स बोलते हैं इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अगर कोई चीज़ मैयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका यूनिट हमें लाजमी पता होना चाहिए टाइम को मैयर करना है तो टाइम को सेकेंड्स या मिनट्स या आवर्स में बताते हैं इस तरीके से कोई तो डिस्टेंस मैयर करना है हम लोग उसको माइल्स या किलोमीटर्स में हम लोग जो है वो बताते हैं तो स्पेस का भी अपना एक जो यूनिट्स हैं आ, उनको एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहा जाता है तो अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मैं तीन चार डिस्कस करूँगी जल्दी से और वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है मेरी पूरी कोशिश होगी आपको आसान तरीन लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँ तो फ़र्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है वो है ए यू एन एू यानी कि एस्ट्रोनॉमिक यूनिट जो है अगर हम देखें जो डिस्टेंस है सन का सन से अर्थ का तो ये एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट है जिसका जो अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस है वो नाइन्टी थ्री मिलियन माइल्स है या वन फिफ्टी मिलियन किलोमीटर है लाइट ईयर को हम लोग एक्सप्लेन करें तो लाइट ईयर बेसिकली लाइट से तो आपको पता है कि लाइट का मतलब है रोशनी और ईयर का मतलब है साल तो एक साल में जितना लाइट ट्रैवल करती है उसको कहते हैं लाइट ईयर तो एक सेकंड में जो तकरीबन तकरीबन लाइट जो है वो अर्थ के सात से आठ चक्कर काट सकती है तकरीबन एक सेकंड में लाइट जो है वो तीन लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है ठीक है अगर देखा जाए तो एक साल में तकरीबन दस ट्रिलियन किलोमीटर्स वो आ, जो है ट्रैवल कर कर जाती है तो हम लोग जो हैं वो सितारों का क्योंकि सितारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं तो हम लोग उनका जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए है जो हम लोग टर्म है वो लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं आई होप ये आपको समझ आ गया होगा लाइट ईयर से बड़ा जो यूनिट्स है जिसके अंदर हम लोग लाइट ईयर से जो बड़ा यूनिट है जिसके अंदर हम लोग ये जो है इसमें हम लोग एक से दूसरे सितारे का या क़रीब तरीन जो सितारे हैं उनका टाइम जो है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मालूम करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इससे भी बड़ा जिस तरह गैलेक्सीज़ हैं वो तो बहुत दूर हैं उनका जो डिस्टेंस है वो और भी ज़्यादा दूर है तो फिर हम लोग पारसेक कवर्ड यूज़ करते हैं ठीक है तो पारसेक जो है वो लाइट ईयर से बड़ा है तो पारसेक जो है वन पारसेक जो है वो इक्वल टू थ्री पॉइंट टू लाइट ईयर्स अगर इसको थोड़ा सिंपलर फॉर्म में देखें हम इस तरह भी देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली थर्टी वन ट्रिलियन किलोमीटर्स या नाइन ट्रिलियन नाइनटीन ट्रिलियन माइल्स ठीक है और यानी कि दो लाख दस हज़ार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के इक्वल है ठीक है तो इस तरीके से भी हम लोग इसको देख सकते हैं 3.2 पॉइंट से 3.3 पॉइंट लाइट ईयर्स का फासला या 31 ट्रिलियन किलोमीटर्स या दो लाख दस हज़ार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को पाँच तक कहते हैं आई होप इसमें जो बेसिक्स हैं वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं और इन दोबारा से हम लोग जो है वो एस्ट्रोनॉमी से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेकिन अब डिटेल के अंदर और आपको समझ भी आ गए हैं अगर नहीं समझ आए तो अगले लेक्चर्स में ज़रूर देखिएगा क्योंकि इनके अंदर अब डिटेल में बात होगी इनकी जो है टाइप्स और जो है इसकी फिज़िकल फीचर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब चीज़ों की बात अगली वीडियोज़ में होगी तो इन आई होप कि ये वीडियो आपके लिए तो मेरी छोटी सी जो एफर्ट है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी अपनी बहुत सारी दुआओं में सबको मुझे याद रखिएगा अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़